मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आप देख रहे हैं बीजेक चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या होगा, अपने मोबाइल के कैमरे को है जो वो ओपन करना होगा। तो आपके मोबाइल में जो भी कैमरा है उसको ओपन कर लेना है। कैमरे को ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, पहले मैं कैमरे को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, पोर्ट्रेट मोड को सिलेक्ट कर लेना है। पोर्ट्रेट मोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। इस तरीके से आपकी बैकग्राउंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपके मोबाइल में पोर्ट्रेट ऑप्शन नहीं है तो आपने करना क्या है, अपने इंस्टाग्राम का यूज़ करना है। इंस्टाग्राम में जाए उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने कैमरा जो है उसे ओपन करना है। कैमरा ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक इफेक्ट जो है वो सर्च करना है। तो आपने करना क्या है, बिल्कुल एंड में चले जाना है। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे, एक मिनट मैंने फोटो क्लिक कर ली, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च ब्राउजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है फोकस। तो यहाँ पे आप फोकस टाइप कर दें। फोकस टाइप करने के बाद आपके सामने काफ़ी तरह के इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने कौन सा इफेक्ट डाउनलोड करना है, ये वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ट्राई एट पे आपने क्लिक करना है। ट्राई एट पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर हो चुका है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जिस एंगल में आप शूट करना चाहते हैं तो उसी एंगल में आप अपने मोबाइल को रख के स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपने करना क्या है, अगले स्टेप पे चलते हैं हम। उसके बाद दोस्तों आपने काइन मास्टर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद इसे ओपन करना है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने जाने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल सा प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अपडेट लेटर कर देता हूँ। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट रेशो कर लें। तो उसके बाद यहाँ पे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो जो है उसे यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो मैं वो वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, वीडियो को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने इसे रोटेट कर लेना है। तो फर्स्टली वीडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद आपने करना क्या है, बैक जाना है और यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं पहले कट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला हिस्सा है तो मैं इसे आगे करके यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रॉपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसे क्रॉप कर लेना है। तो जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैं क्रॉप कर रहा हूँ, आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। और साइड में अगर आप ये आइकॉन देख रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना कोई भी लोगो वगैरह लगा सकते हैं ताकि ये दिखे ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे वीडियो भी बन गया, ठीक है ना, बैकग्राउंड भी ब्लर हो गया और साथ के साथ आपका यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड भी हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूँ तो आप अपने बैक कैमरे से ही वीडियो को बनाना। कहने का मतलब ये है कि जब आप कैमरा ओपन करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, तो आप फ्रंट कैमरे से ना रिकॉर्ड करें, बैक से रिकॉर्ड करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैक कैमरे से आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, आपका वीडियो रेडी हो चुका है। तो सिंपल सा आपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो शेयर के आइकॉन पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट करें और आपका वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक न्यू एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, खुदा हाफिज़।